Hello everyone, my name is Mudit Gupta. In this particular video, we'll talk about operation twist of RBI. Reserve Bank of India ने एक नया operation start करा जिसका नाम है operation twist. Economy के point of view से काफी important है. Prelims, GS mains paper 3 और interview के point of view से important है. तीनों ही dimensions इस particular video में देखेंगे कि ये क्या operation है और ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि RBI को ये operation launch करना पड़ा. What went wrong with the economy or what went right with the economy that we felt the need to come up with this particular program, right? Also, before moving on, if you plan to subscribe to Unacademy Plus, you can use my referral code Mudit Gupta for a 10% discount on Unacademy Plus. Right, काफी सारे प्लस कोर्सेज आ रहे हैं मेरे. ये Unacademy Plus हमारा एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है where we live stream all the classes and all the educators come together for a comprehensive coverage of the syllabus. तो आप Unacademy Plus को ज्वाइन कर सकते हैं. And यहाँ पे मेरे काफी सारे प्लस कोर्सेज आ रहे हैं including international relations, bear act analysis of Indian constitution, full fledged economy, head to toe analysis, budget economic survey, India yearbook, साथ के साथ current affairs roundup, पूरे एक साल के current affairs कराऊंगा Unacademy Plus पे और previous year questions के ऊपर एक बहुत ही special course आ रहा है Unacademy Plus पे. Don't forget to subscribe using this particular referral code. Also you can join my telegram channel t.me/mudit gupta and don't forget to subscribe my YouTube channel by pressing the bell icon. What is operation twist? Operation twist means buying long-term securities and at the same time, exactly same time, selling short-term securities. And the amount of both of them will be same. जितने की आपने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी खरीदी, जितने रुपए की आपने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी खरीदी, लेट अस से 100 रुपीज की, तो 100 रुपीज की ही शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आप सेल करोगे. लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सच एज 2 इयर्स 3 इयर्स 10 इयर्स. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन, 6 मंथ्स 8 मंथ्स 9 मंथ्स 64 डेज एटसेट्रा. सेम टाइम सेम अमाउंट, फर्क सिर्फ है मैच्योरिटी पीरियड का. राइट, ऐसा क्यों समझते हैं? इसको समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड यील्ड. नाउ यू मस्ट बी नोइंग दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे आर कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं सबसे सेफेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती हैं. ये प्रिमाइज आप ध्यान में रखिए. अब समझाता हूं बॉन्ड यील्ड क्या होता है. दिस इज द सिनेरियो वेयर इन आरबीआई इज सेलिंग द सिक्योरिटीज. फर्स्ट कंसिडर केस वन, द अर्लियर सिनेरियो, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज. राइट, आरबीआई सेलिंग द सिक्योरिटी. लेट अस से देयर आर 4 पीपल हु वांट टू परचेज द सिक्योरिटी एंड आरबीआई इज जस्ट इशूइंग 2 सिक्योरिटीज. 4 लोग हैं और आरबीआई सिर्फ 2 सिक्योरिटीज बेच रहा है. अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मानिए ऐसा कि एक तरीके से बिडिंग हो रही है मार्केट में. जस्ट सपोज, बिडिंग होती नहीं है, सपोज करो, टेक्निकली इनकरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि बिडिंग हो रही है. आरबीआई ने कहा 2 बॉन्ड है और ऑब्वियसली बात है जब आरबीआई बॉन्ड्स बेच रहा है तो आरबीआई को पैसा मिलेगा. आरबीआई विल गेट द मनी एंड वेन एवर आरबीआई इज गेटिंग द मनी इट विल हैव टू पे इंटरेस्ट ओवर इट. ब्याज का पैसा देना पड़ेगा. अब सपोज करो हाइपोथेटिकली कि यहां पे ऑक्शन हो रहा है. आरबीआई ने बोला ठीक है मेरे पास 2 सिक्योरिटी हैं और 4 लोग हैं, मैं सिक्योरिटी उसे दूंगा जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट मांगेगा. क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? सबसे स्टेबल बॉन्ड होता है. ठीक है, तो आरबीआई ने बोला कि जो सबसे कम इंटरेस्ट मांगेगा मैं उसको ये दोनों सिक्योरिटी दे दूंगा. लेट अस से इस व्यक्ति ने बोला, इन सब ने बिडिंग करी, 6.5 6.75 7% 6.25%. इस तरीके से 4 लोगों ने बिडिंग कर दी. ऐसा होता नहीं है, मैं बस टेक्निकली इनकरेक्ट समझाने के लिए बता रहा हूं. तो ठीक है, आरबीआई ने क्या किया, सिक्योरिटी 1 दे दी इधर और सिक्योरिटी 2 दे दी इधर. पर्सन 1 और पर्सन 4 को सिक्योरिटीज बेच दी कम इंटरेस्ट रेट पे. अब क्या किया केस 2, आरबीआई को पैसे की जरूरत और भी कम है. अब आरबीआई को ज्यादा पैसा चाहिए ही नहीं. ठीक है, तो फिर अब आरबीआई ने कहा एक ही सिक्योरिटी निकाल रहा हूं,
जो सबसे कम इंटरेस्ट बिड करेगा मैं उसको दे दूंगा। इस बार इन्होंने क्या किया, 5.75% 6% 6.25%, आरबीआई ने परसेंट 2 को सिक्योरिटी दे दी। कहने का मतलब यह है कि जब मार्केट में बॉन्ड्स कम होते हैं, जब आप बॉन्ड्स विड्रॉ करते हो तो बॉन्ड यील्ड जो होता है वो गिर जाता है, मतलब कि बॉन्ड के ऊपर जो आपको पैसा मिल रहा है वो गिर जाता है। पहले कितना मिल रहा था, 6.5, 6.25, जैसे ही आरबीआई ने मार्केट में बॉन्ड्स का नंबर कम कर दिया यहां पे बॉन्ड यील्ड गिर गया। गेटिंग इट? नाउ लेट अस से केस वन में आरबीआई ने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ा दिया, आरबीआई को पैसों की सख्त जरूरत है, आरबीआई ने कहा ठीक है आपको जितना रेट चाहिए हम देंगे, तीसरी सिक्योरिटी भी ले लो प्लीज, तो आरबीआई ने 6.75 वाले को भी यहां पे सिक्योरिटी दे दी। कहने का मतलब यह है कि जब सिक्योरिटी ज्यादा होती है मार्केट में तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम क्या है, आरबीआई को जरूरत है पैसे की, तो लोग कहेंगे अगर पैसा चाहिए तो लाओ इंटरेस्ट दो अच्छा, तो आरबीआई देगा। अगर सिक्योरिटी कम है, कम है मतलब आरबीआई को कम पैसा चाहिए, तो आरबीआई कहेगा देखो मेरे को तो पैसा कहीं से भी अरेंज हो जाएगा, आपको अगर इंटरेस्ट चाहिए सेफली तो बताओ, कम इंटरेस्ट दोगे तो मैं आपको अभी सिक्योरिटी दे देता हूं। इस तरीके से अगर मार्केट में सिक्योरिटी ज्यादा है तो बॉन्ड यील्ड भी ज्यादा होगा, अगर मार्केट में सिक्योरिटीज कम है तो बॉन्ड यील्ड भी कम होगा। तो वही हुआ यहां पे, आरबीआई ने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बाय कर ली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, समझते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया कि जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैं 10 ईयर्स वाली और ये सब दूर की लंबे प्रोजेक्ट्स की जो सिक्योरिटीज हैं उनको खरीदना शुरू कर दिया, मतलब कि मार्केट में उनका नंबर कम कर दिया। अगर मार्केट में अब उनका नंबर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली उनका जो बॉन्ड यील्ड है वो कम होगा। मैंने क्या बताया कि अगर नंबर कम हो रहा है तो बॉन्ड यील्ड भी कम होगा। बैंकिंग में एक थ्योरी होती है कि जो बॉन्ड यील्ड होता है, बैंक्स का जो लोन रेट है, बैंक्स जिस रेट पे लोन देते हैं, दैट इज समवेयर अराउंड बॉन्ड यील्ड ओनली। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड है वो लेट अस से अगर 5% है, तो जो बैंक्स 10 साल के लिए लोन देंगे वो भी एट अराउंड 5% देंगे। लेट अस से ड्यू टू सम रीजन ये रेट इंक्रीज हो गया 8% पे, जो 10 ईयर सिक्योरिटी पे हमारा बॉन्ड यील्ड है वो 8% हो गया फॉर एग्जाम्पल मानो, तो जो बैंक लोन रेट है वो भी समवेयर अराउंड 8% हो जाएगा बढ़ के, कि जो बैंक लोन दे रहे हैं 10 साल के लिए वो भी अराउंड 8% हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो बॉन्ड यील्ड होता है कहीं ना कहीं बैंक लोन के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो उसी से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई ये चाहता था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अभी काफ़ी कम हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो रहा है, तो आरबीआई यहाँ पे ये चाहता था कि अगर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए, अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड कम कर दिया जाए तो बैंक्स जो हैं ऑटोमेटिकली अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। अगर बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो फाइनली क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है वो चीप लोन्स ले सकेंगे। एज इन मान लीजिए पहले जो इंटरेस्ट रेट है वो था समवेयर अराउंड 7%, आरबीआई ने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीद ली, बॉन्ड यील्ड गिर गया लेट अस से 6% पे। सिमिलरली बैंक के जो लोन रेट्स हैं, कि जिस रेट पे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंक से लोन लेंगे, अगर वो पहले 7% था तो वो भी गिर के अब 6% हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आरबीआई ने ऐसा क्यों करा इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी भी तो यूज कर सकते थे, जो मॉनेटरी पॉलिसी में आप रेपो रेट और ये सब अनाउंस करते हो वहां से भी तो हो सकता था। बेसिकली आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में जो उनका रेपो रेट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा कम करा, लेकिन बैंक्स ने वो बेनिफिट अपने कंज्यूमर्स को ट्रांसफर नहीं करा। तो आरबीआई ने सोचा कि मैं दूसरा रास्ता अपना के देखता हूं, दैट इज द मार्केट ऑपरेशंस। इसे कहा जाता है, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी खरीदना और बेचने का प्रोसेस है इसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कि खुले बाजार में आरबीआई जो है बाइंग और सेलिंग के ऑपरेशंस कर रहा है। तो आरबीआई ने कहा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है अगर उससे काम नहीं चल रहा तो मैं कोई दूसरा प्रोसेस करके देखता हूं ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, शायद इस प्रोसेस से बैंक्स जो हैं मार्केट प्रेशर में आके अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। अगर आपको समझना है
कि ये जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, ये जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, ये बैंक लोन से कैसे जुड़ी हुई हैं, ये जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का बॉन्ड यील्ड है, ये किस तरीके से बैंक के जो लोन रेट से जुड़ा, समझते हैं एक एग्जाम्पल से। लड़ा से आरबीआई एक सिक्योरिटी सेल कर रहा है, सिर्फ एक, नंबर ऑफ सिक्योरिटी कम है, इसका मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम बॉन्ड यील्ड पे ये सेल होगा। लड़ा से 5.75% पे ये सेल हो गया। ऑब्वियसली अगर ये चार लोग, 1, 2, 3, 4, अगर ये चार लोग सिक्योरिटी खरीदना चाहते थे, इट मींस दे हैव सरप्लस मनी। आरबीआई ने सेल करी एक ही सिक्योरिटी और ये एक व्यक्ति ने खरीद ली, तो अब इन तीनों का जो सरप्लस मनी है, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, इनका जो सरप्लस मनी है, इनको डिपॉजिट कराना पड़ेगा अपने बैंक में, राइट? इन्होंने ये पैसा डिपॉजिट करा दिया अपने बैंक में। अब एसबीआई के पास आ गया सरप्लस फंड, जो पैसा पहले आरबीआई के पास जा सकता था बॉन्ड के थ्रू, अब वो बॉन्ड में नहीं गया क्योंकि आरबीआई ने एक ही बॉन्ड निकाला और वो चला गया स्टेट बैंक के पास। स्टेट बैंक के पास सरप्लस पैसा आ गया, तो अब जब पैसा सरप्लस आ गया तो ऑब्वियसली जो ये लेंड करेंगे आगे क्या होगा, सरप्लस पैसा आ गया, अब एसबीआई क्या कहेगा कि देखो इतने पैसे की तो मेरे को जरूरत है नहीं, तो ये तीनों इन्वेस्टर कहेंगे, इन्वेस्टर 2, इन्वेस्टर 3, इन्वेस्टर 4, कि प्लीज ले लो, हमारे पास सरप्लस पैसा पड़ा है, इंटरेस्ट दे दो कुछ। मान लीजिए एसबीआई पहले 6% दे रहा था, एसबीआई कहेगा देखो मैं भी आपको 5.5% या 5.75% के अराउंड ही दूंगा, जितना बॉन्ड यील्ड चल रहा है, अगर आपको डिपॉजिट कराना है तो कराओ, क्योंकि अब देखो ना यहाँ पे आप बिजनेस समझो यहाँ पे क्या, कि क्योंकि आरबीआई एसबीआई को दिख रहा है कि उसके पास सरप्लस फंड आ रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है, तो वो अब अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करेगा, ठीक है? तो उसने क्या बोल दिया कि मैं इतना दूंगा 5.5 के अराउंड या 5.75 के अराउंड, देना है तो दो वरना जाओ। इन्होंने मजबूरी में कहा ठीक है, पहले तो आप 6 दे रहे थे, लेकिन अब क्योंकि आपके पास सरप्लस फंड आ गया तो आप कम इंटरेस्ट दे रहे हो। एसबीआई ने कम इंटरेस्ट पे लेके आगे कम इंटरेस्ट पे लोन दे दिया बड़े बड़े बिजनेसमैन को, क्योंकि यहां पे रेट कम हो गया सरप्लस फंड्स की वजह से, तो एसबीआई ने जो आगे लोन दिया बिजनेसमैन को वो भी कम हो गया। तो इस तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बाय कर रहे हो मार्केट से, तो बॉन्ड यील्ड गिरेगा, बॉन्ड यील्ड गिरेगा तो बैंक्स का जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो गिरेगा, क्योंकि आरबीआई जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, आरबीआई जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो लेंडिंग है उसको चीप बनाना चाहता है, जिससे बड़े बड़े बिजनेसमैन बिल्डर लोग लोन ले लें, इस वजह से ये पहला ऑपरेशन किया गया। अब एट द सेम टाइम ऑपरेशन ट्विस्ट में आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सेल भी करेगा, क्यों, समझते हैं इकॉनमी। लड़ा से आरबीआई ने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बाय करी, खरीदी, मतलब बॉन्ड यील्ड कम करा क्योंकि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का नंबर कम हो गया, तो मार्केट में पैसा चला गया। ऑब्वियसली अगर सिक्योरिटी आरबीआई ने बाय करी है तो जिस इन्वेस्टर का पैसा था उस सिक्योरिटी में, उस इन्वेस्टर को पैसा दिया होगा तभी तो सिक्योरिटी खरीदी। इसका मतलब मार्केट में इस ऑपरेशन से, ऑपरेशन नंबर वन से, जब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी खरीदी मार्केट में आ गया सरप्लस पैसा। नाउ इफ देयर इज सरप्लस मनी इन द मार्केट, इट कैन लीड टू इन्फ्लेशन। हमारे को एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी मैनेज करनी, क्योंकि देखो अगर मार्केट में सरप्लस पैसा आ गया, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेंगे, अगर वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इन्फ्लेशन भी ना बढ़े, तो हमने क्या करा, इस मनी को वापस लेने के लिए हमने शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया, शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटी को सेल कर दिया। अब अगर शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटी को सेल कर दिया तो मनी हमारे पास वापस आ गया, और मैंने आपको क्या बताया कि ऑपरेशन ट्विस्ट की एसेंस क्या है, सेम टाइम सेम अमाउंट। तो सेम टाइम पे जितना अमाउंट दिया था उतना ही वापस अंदर आ गया बाय सेलिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। अब क्योंकि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी का बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो शॉर्ट टर्म का बैंक लोन रेट है, सेम लॉजिक लगाओ, जो शॉर्ट टर्म का बैंक लोन रेट है वो भी इंक्रीज होगा। सीधी सी बात है, अगर आप सिक्योरिटी खरीद रहे हो, बॉन्ड यील्ड कम हो रहा है, बॉन्ड यील्ड कम हो रहा है तो बैंक लोन रेट जो है वो भी कम होगा।
अगर आप सिक्योरिटी सेल कर रहे हो तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो बैंक लोन का जो रेट है वो भी बढ़ेगा। तो आप कहोगे मैं बोल क्या रहा हूं, बैंक लोन रेट कम हो रहा है बढ़ रहा है, फर्क है क्या? अब से इस ऑपरेशन के बाद अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए अगर आप लोन ले रहे हो लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होगा लो इस ऑपरेशन की वजह से। अगर आप शॉर्ट टर्म में लोन ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 6-8 महीने का लोन, कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह का लोन, छोटा मोटा लोन, तो वो हल्का सा महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हल्का सा बढ़ जाएगा। तो मैच्योरिटी पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर लॉन्ग टर्म ले रहे हो तो वो बाइंग बैक ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की वजह से जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म का लोन ले रहे हो तो सिक्योरिटी सेल करने की वजह से हल्का सा ये इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल लिक्विडिटी सेम रहेगी, तो इन्फ्लेशन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन ट्विस्ट का इन्फ्लेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जो नेट लिक्विडिटी है वो सेम रही। तो ये जो सारा का सारा आरबीआई ने पूरा पैसा घुमाया बाजार में, ये क्यों घुमाया? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करने के लिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रही है वो बढ़ाई जा सके। राइट और हमने देखा कि ये क्यों करना पड़ा बैंक आरबीआई को, क्योंकि जो बैंक्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेपो रेट में जो चेंजेस हैं वो इतने अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर रहे। तो आरबीआई ने सोचा मॉनेटरी पॉलिसी की जगह मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन करके देखता हूं, ऑपरेशन ट्विस्ट करके देखता हूं, क्या पता ये काम आए। राइट तो ये जो है ऑपरेशन ट्विस्ट है। इफ यू प्लान टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदित गुप्ता। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकन।